दोनों में ज्यादा का अंतर थोड़ी है। कोई जो पति रहे उसको चाय पत्ती बना दीजिए। अगर खतरनाक पत्नी मिल गई ना तो पति को चाय पत्ती बना देंगे। अच्छा खतरनाक लड़का भी मिल जाएगा, आपका भी जीवन का सब चीज रद्द कर देगा। एक अग होता है सर ना, घमंडी होता है सब, समझ में आ गया। और लोग उसको कहते हैं घमंडी, ये एक बीमारी की कैटेगरी होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सीजो प्रेमिया में एक, और उसमें हम आपको पढ़ाए थे ना, उसमें उस हमेशा वो डाउटे करेगा, रे सोच तू नहीं, शक की बीमारी हो जाती। तो हम इस बात को तो WHO को भी रखे हैं। अब WHO सुने तब तो कैसे नहीं सुनेंगे। हाँ भगत सिंह को आदमी पढ़ाया है ना, तो लाहौर असेंबली वाला हाल होगा। सुनो अंग्रेजों कान बह रहे हैं तो, समझ में आ गया कि नहीं। भारत को यहाँ पैसे UNO तक आदमी जाएगा भारत के लिए, और जाना ही पड़ेगा अखंड भारत के टाइम पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि जब अखंड भारत का काम होगा तो UNO सबसे पहले चिल्लाएगा, वहां पे जाके मैं नहीं होगा, किए हैं क्या मतलब है, दम है तो रोक लो, बस खत्म कहानियां। वियतनाम की लड़ाई में ससुरा तुम 27 करोड़ बम गिरा दोगे, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा डट के रहिए आप लोग। कुछ कर डॉक्टर बनेंगे। अरे अध्यक्षता करेंगे तो ये सब चीज मत करो यार, हम जैसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट लोग को नहीं गिरना चाहिए, वरना एशिया में 2-4 को देश बचेगा। हम लोग ये थोड़ी है कि यहां तक आने के बाद रुक जाना, जो यहां आइए गए तो नहीं और लिए जाते हैं नहीं जान जाए। हम लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। हमारा जब सिलेक्शन जब NDA इंटरव्यू में गए थे तो वहां भी ये बात बोला था, टू मच एक्सट्रीमिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीम लेवल के हो। आप इंटरव्यू में हुआ था, हम एकदम नया नया खून था, एकदम इंटर पास किए थे, रगड़ दिए वहां पे, हमें लगा बहुत अच्छा गया है। डर गया यार, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, इसके हाथ में पावर दे देंगे तो ये अपने हिल जाएगा। हमें तो इंटरव्यू में जाइएगा लोग तो बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए हम पति को देखते हैं, बहुत जरूरी चीज है, भोजन बनाता है। पति क्या करेगा, ये भोजन